हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज़ गार्डनिंग में। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज मैं अभी टेरेस पे हूँ, टेरेस गार्डन पे हूँ। मैं फ़ोन ले आई साथ में, तो आप लोगों को मैं वीडियो में छत का भी दिखा रही हूँ कि मैंने क्या किया। वैसे आती हूँ हमेशा पानी डालने और फ़ोन लेके आना भूल जाती हूँ दोस्तों। जल्दी जल्दी होती है, सुबह बहुत सारे काम होते हैं और धूप बहुत तेज़ आ जाती है सुबह सुबह 6 बजे। तो इस चक्कर में जल्दी जल्दी में फिर सोचती हूँ चलो अच्छा अभी ले आऊँगी, फिर नीचे काम में लग जाती हूँ दोस्तों और भूल जाती हूँ, नहीं मैं ला पाती। आज ले आई मैं, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ और आप लोग देखिए। और मैंने मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना भी था, कई दिनों से मैं सोच रही थी आप लोगों को ये भी मैं शेयर करूं। बस वही है ना दोस्तों, फ़ोन ना होने से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूं कि मैंने क्या किया, मैंने किस चीज़ में प्लांट लगा दिए। मेरे पास वेस्ट थे, मेरे लिए वेस्ट थे और किसी को देने के लायक भी नहीं थे कि हम किसी को दे दें तो वही यूज़ कर ले, इस लायक भी नहीं थे। तो मेरा तो मानना है कोई भी कबाड़ है फेंको नहीं, पहले ये सोचो इसका कुछ हो सकता है तभी फेंको, वरना मत फेंको। तो मैं तो उसको मैंने धीमे धीमे मैंने इकट्ठे किए हैं और अब मैंने उसका यूज़ किया है फ्रेंड। अब मैं आप लोगों के साथ में मैं उसको भी मैं शेयर करूँगी। ये देखिए गेंदा छोटा सा आया है, इसमें भी फूल आते हैं, कलियाँ आती हैं। मैं बस वाटरिंग करके मैं चली जाती हूँ, इसके फूल आप लोगों के साथ में मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। अभी तो कलियाँ नहीं है, किल्ले आ रहे हैं नए नए, अब कलियाँ आएंगी दोस्तों। फूल तो सारे खिल चुके हैं और ये नागचंपा भी देखिए जरा सी मिट्टी में चल रहा है अभी दो, और ये नागचंपा में भी कितने फूल खिल के मुरझा चुके हैं, गिर चुके हैं, लेकिन हम ये हैं कि आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाए। छत पे जो प्लांट हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर के तो शो हो जाते हैं और इसमें और भी कलियां आ रही हैं अभी, और भी फूल आएंगे दोस्तों हर डाल पे, क्योंकि ये मैंने कट किया था तो अभी नीचे से भी किल्ले आ रहे हैं। और ये हमारा देखिए बोगनविला खूब अच्छी, ये वाला शेड बहुत सुंदर है, ये शेड बहुत ही खिलता हुआ रानी कलर सा रेड है, ये शेड बहुत सुंदर है, ये भी अब खिलने को है। छोटे छोटे प्लांट हैं, ये इतना छोटा, ये इतना छोटा, दो और चौथी बार ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये हमारे प्लांट बहुत ही प्यारे हैं और ये भी मैं कटिंग से ग्रो किया था, जो हमारा बाहर था प्लांट जो काट दिया गया उसी की ब्रांच मैंने लगा दी थी, दोनों ही ग्रोथ में हो गई हैं पर अभी फ्लावरिंग नहीं आई, बस लीव ही निकाल रहा है। और ये क्रैनबेरी का आ गया है इसमें एक, और ये टिकोमा का है, टिकोमा ये बहुत टाइम बाद मेरा ग्रो हो पाया, इतनी मेहनत से ये तो मर रहा था। और ये मेरी साइप्रस वाइन रोज़ ही ढेर सारे फ्लावर्स निकालती है, कल तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, लेकिन नहीं दिखा पाई। फिर शाम को आके वो सारे खिले हुए फ्लावर्स हटाए, नहीं तो बीज बन जाते हैं, इसलिए दोस्तों वो फूल जो हैं हटाने होते हैं। ये देखिए फ्लावरिंग नीचे की हमारे प्राइड ऑफ इंडिया पे भी फूल आने लग गए हैं दोस्तों। जब मैं ऊपर से नीचे गार्डन देखती हूँ तो मुझे बहुत सुंदर लगता है देखने में, और इसमें भी हैंगिंग में भी फूल आने लग गए हैं, फ्लावरिंग हो रही है। सब मैंने हटा ही दिए थे, तीन बस हैं, और ये इस साइड मैंने सारे झुंड में रख दिए हैं और बीच में ये मैंने कर दिया क्योंकि बंदर आया था, ये भी एक ब्रांच यहाँ की तोड़ गया, तो वो मैंने यहाँ पर मैंने इसमें मैं लगा दी, इसमें पाम का था वो तो बंदर ने बिल्कुल बेकार कर दिया, तो मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया। ये देखिए टूटे फूटे पॉट में भी कितने अच्छे से पर्सलन ग्रो हो रही है, फूल खिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये वही चंपा की
कटिंग जो बंदा तोल गया था ये इतनी इतनी बड़ी हो गई है, इसमें भी हो रही है ग्रोथ। और इनमें सब में कलियाँ बन रही हैं, सब में कलियाँ बन रही हैं। पहले तो मैं पिंचिंग करती रहती थी लेकिन अब पिंचिंग छोड़ दी है तो सब कलियाँ बन रही हैं। और ये देखिए अजवाइन कितना फैल गया, टूटे हुए पॉट हैं ये देखिए, दो टूटे हुए पॉट जो बंदों ने तोड़ा, दोनों को एक दूसरे में मैंने सेट कर दिया। जुगाड़ से गार्डनिंग करना बहुत अच्छा होता है, नहीं नहीं तो मुझे दूसरा पॉट या फिर कुछ इंतज़ाम करना पड़ता। टूटा हुआ पॉट मैंने फेंका ही नहीं, रखा रहा, जब वो भी टूट गया तो दोनों को एक में कंबाइन कर दिया और एक पॉट तैयार हो गया हमारा। मैं इसी तरह से करती हूँ दोस्तों, मेरे टूटे टूटे पॉट में भी बड़ी अच्छे से गार्डनिंग हो रही है और वो सारे टूटे पॉट छुप जाते हैं। जब प्लांट खूब अच्छे से हेल्दी ग्रोथ ले लेता है तो वो पता ही नहीं चल पाते हैं ये टूटे पॉट में है, क्योंकि तब हमें प्लांट की खूबसूरती नज़र आने लगती है। इसलिए ये देखिए दोस्तों कलियाँ सब बन गई हैं, अब धीरे धीरे इन पे भी फूल अभी से आ जाएंगे, ये देखिए दोस्तों। और इनको मैं कोई खाद नहीं दे रही हूँ, कुछ नहीं दे रही हूँ, सिर्फ पानी देती हूँ और इनको कुछ भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि धूप में है तो मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, सिर्फ सुबह शाम आके अच्छे से पानी दे देती हूँ, क्योंकि ये सारे थैलियों में हैं और ये ज़मीन से खूब अच्छी इनको गर्मी मिलती है तो ये शाम तक बेचारे मुरझा जाते हैं, तो अच्छे से मैं वाटरिंग कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों तुरई का प्लांट ऊपर तक फैल गया है, ऊपर तक दीवार छत को वो पकड़ने की तैयारी में है। और एक दिन मैं शाम को पानी डालने नहीं आ पाई तो यहाँ पे जितने छोटे छोटे प्लांट थे सारे ही मर गए, दो रह गए और ये देखिए सूख गई। ये अपराजिता भी हैं और ये अपराजिता अपने आप दीवार पकड़ रही है। इसमें भी तुरई उरई के पता नहीं किस किस के प्लांट निकल आए, कौन कौन से बीज मैंने डाले थे मुझे खुद ध्यान नहीं है, जब कोई फल आएगा अपने आप पता चल जाएगा। और देखिए दोस्तों जो हम आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहे थे वो भी आ गया है। और ये करेले की बेल है, ये फैल रही है, इसी एंटीना पे फैला दूंगी। और यहाँ से मैंने आलमंडा हटा दिया, उसकी बहुत ही बेकार कंडीशन हो रही थी, सारी पत्तियाँ जल रही थी, इसी पे ये फैल जाएगी। और ये देखिए दोस्तों ये मेरे शूज़ हैं विंटर्स के, बेकार हो गए थे मैंने रख लिए थे, और ये भी जूतियाँ मेरी बेकार हो गई थी और ये इस कंडीशन में नहीं थे कि हम किसी को देते कोई इन्हें पहनता, बट ये देखिए। और ये मेरे हस्बैंड के क्रॉप्स हैं, इनको भी मैंने नहीं फेंका क्योंकि ये भी क्रेक हो चुके थे ये, और पीछे से ये ऐसे ये टूट गया था तो फिर मैंने नहीं दिया, मैंने कहा किसी को नहीं दे सकते ऐसे टूटे फूटी चीज़ें, तो हमने ऐसे पीछे होल कर दिए, होल में ये हमने हैंग कर दिए हैं, कैचोटी वाली कैची से ही मैंने होल किए हैं। ये देखिए दिख रहा होगा दोस्तों ये, और ये जो छोटी छोटी ये आती जिसमें ये प्लास्टिक का होता है इलेक्ट्रिक में यूज़ होती हैं, वो मैंने लगा के इनको हैंग कर दिया, क्योंकि ये वाली कील हर जगह ठुक ठुक जाती हैं, आराम से लग जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से। और ये मेरे हस्बैंड के शूज़ थे, ये भी बेकार हो गए थे तो मैंने इनमें ये पर्सलिन टांग दी, और इनमें पीछे इस टाइप से था, इसी में ये जो लोअर में वो होता है नाला उसी को मैंने इसमें लगा के बांध दिया। ये सारा वेस्ट मटेरियल की गार्डनिंग है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और मैंने पेंट नहीं किया क्योंकि कलरफुल थे तो इनको पेंट की कोई नीड नहीं है। ये देखिए प्रिंटदार हैं, अच्छे से प्रिंट है तो इसमें कोई वो कलर की ज़रूरत नहीं है ना ही पेंटिंग की ज़रूरत है। और ये तो लंबे होके ढक जाएंगे जैसे ये ढक गए हैं, और ऊपर भी
अच्छा खासा रंग है तो हमें पेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इस पर भी पेंट इसीलिए नहीं किया। वैसे यहाँ पे मैं स्माइली फेस या कुछ भी फूल पत्ती मैं कर सकती हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं, ये पर्सलिन से ढक जाएगा, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया। और आप लोगों के अगर अच्छे कलर नहीं है, शेड नहीं है, तो आप लोग उस पर फूल पत्ती स्माइली फेस आइस या कुछ भी बनाना चाहते हैं आप लोग, उसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और उसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट आपके तैयार हैं। और हमने तो इधर सारा ही वेस्ट मटेरियल ही दोस्तों यूज़ किया हुआ है और खूब अच्छे से चल भी रहा है। और ये हमारे कूचिया है, देखिए फ्रेंड, इस तरह से दिखाती हूँ आपको, तब आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। देखिए दोस्तों, सारा वेस्ट मटेरियल की हमारी गार्डनिंग है। ये भी वेस्ट मटेरियल, इधर भी वेस्ट मटेरियल, और ये वाला भी हमारा वेस्ट मटेरियल। उधर भी बीच बीच में डब्बे थैलियाँ सब रखी हुई हैं। छत पे मेरी गार्डनिंग वेस्ट मटेरियल से ही है, क्योंकि मैं छत पे कोई भी पैसा नहीं। अब ये टाइल लाई हूँ, इनके ऊपर भी हमें अरेंजमेंट करना है, लेकिन जब तक सारे काम करते हैं दोस्तों, धूप आ जाती है शाम को, छत पे धूप होती है तो कोई काम नहीं हो पाता है। और ये सारा मैं इसी में डालती हूँ, इसी में ये सारा मेरा कचरा तैयार हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, इतनी फैल गई है वो। और ये कद्दू की बेल इधर आ गई है, ये कद्दू का फूल है। और ये देखिए, इस तरह से ग्रोथ तो अच्छी हो रही है दोस्तों, लेकिन बस वही है, कद्दू रुक जाए, थम जाए, येलो ना हो तो कोई बात भी है। और इसमें एक गोल गोल सा फल भी आया है दोस्तों, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये फल आया, ये मुझे तरबूज लग रहा है, खरबूजा या तरबूज, दो में से कुछ है, ये ककड़ी नहीं है। दोस्तों इस तरह से लाइनिंग है। अब ये लाइनिंग तो तरबूज में भी होती हैं और खरबूज में भी होती हैं, पता नहीं जब फल बनेगा तब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एक फल यहाँ पे था, उसको टच किया तो वो येलो हो गया, इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रही हूँ, फिर मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। और ये देखिए, ये मैं आलमंडा ले आई, इसकी इस तरह से लीव्स जो हैं जल रही थी, मैंने बहुत सी लीव्स तो हटा दी हैं। और ये वाली है कीले जो हमने उस पर मैंने हैंग की हैं स्लीपर्स और शूज़। अब ये मैंने यहाँ पे इसलिए लगा दी हैं, इसी में डोरी बांध के इसको आलमंडा को यहाँ पे मैं फैला दूँगी, क्योंकि मैंने सारी लंबी लंबी ब्रांचेस इसी में ये लपेट दी हैं, तो ये मैं इसमें बांध दूंगी तो ये अपने अच्छे से फैलता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ना धूप सुबह सुबह नहीं आती है, थोड़ी देर बाद आती है, इसीलिए मेरे आलमंडा की हालत हो गई है, पूरी लीव्स जो है सब बेकार हो गई। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसको हटा दूँ, वही होता है दोस्तों लाइफ में, इतनी काम होते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सबको निभाते निभाते अकेले ऊपर नीचे, सारी गार्डनिंग मुझे अकेले करनी पड़ती है, हर एक चीज़ ऊपर नीचे लाना ले जाना, तो उसमें भी बड़ी थकावट भी कभी कभी हो जाती, कभी कभी माइंड से ही स्लिप हो जाता है। और कामों में जब हो जाओ फिर सोचो चलो शाम को कर देंगे। और मेरे यहाँ बंदरों का भी है, मैं वीडियो बनाती हूँ, पानी डालती हूँ, मैं जरा सी भी आहट होती फटाक से इधर उधर मुझे देखना होता है कि कहीं बंदर ना आ गया हो। बंदर लोग अटैक भी आजकल पता नहीं क्या हो गया, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, क्या है, तो अटैक भी बहुत कर रहे हैं दोस्तों। ये आज का वीडियो मेरा यही था, अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दो कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।